एक जमाना था जब लोग कहते थे कि भाई नारी को डेवलपमेंट की जरूरत है, लेकिन आज का जमाना बदल गया है, आज डेवलपमेंट को नारी की जरूरत है। अर्थ प्रकाश के दर्शकों का स्वागत है। आज हम यहाँ चंडीगढ़ में मौजूद हैं, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 70th चैप्टर जो है चंडीगढ़ में शुरू होने जा रहा है, उसकी लॉन्चिंग है। उस मौके पर हम जो जीतो की लेडीज विंग की चेयरपर्सन है श्रीमती सोनाली हेमंत जैन, उनसे बातचीत करेंगे कि नारी शक्ति के लिए किस तरह की कोशिशें जो है इस विंग के तहत की जा रही हैं। नमस्ते। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके माध्यम से हम हर आदमी, हर व्यक्ति को, चाहे वो नारी है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, जोड़ते हैं ताकि हम अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट कर सके। एक जमाना था जब लोग कहते थे कि भाई नारी को डेवलपमेंट की जरूरत है, लेकिन आज का जमाना बदल गया है, आज डेवलपमेंट को नारी की जरूरत है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हर व्यवस्था में नारी कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के साथ चले। सो जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी नारी का वर्चस्व कायम है, हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है और हमारा मेन मिशन है आर्थिक स्वावलंबन, शिक्षा और सेवा। और इसी मिशन को पूरा करने के तहत हम नारी के स्वावलंबन के लिए काफी काम कर रहे हैं। जीतो बिजनेस नेटवर्क है जहाँ जितनी भी लेडीज हैं जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट चाहती हैं, किसी भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े लेवल के बिजनेस को कर रही हैं, उनको बहुत सपोर्ट दिया जाता है, उनकी आपस में नेटवर्किंग करवाई जाती है ताकि एक जैन ही जैन का बिजनेस बढ़ाए और इन प्रोसेस हम अपने देश को भी, उसकी आर्थिक व्यवस्था को भी बहुत प्रॉस्पर कर रहे हैं। JATF है जहाँ जितनी भी लेडीज और लड़कियां हैं जो UPSC के एग्जाम देना चाह रही हैं, UPSC की तैयारी में लगी है मेरिट स्टूडेंट्स, उनको यहाँ पे बहुत सपोर्ट किया जाता है ताकि आने वाले समय में वो देश की अर्थव्यवस्था, ब्यूरोक्रेसी में पावरफुल बने और एक नेशन बिल्डिंग का काम भी जैन करे। वैसे तो जैन समाज माइनॉरिटी कहलाता है, लेकिन जो वो काम करता है, जो व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में जो वो इनपुट देता है, वो किसी मेजॉरिटी से कम नहीं है, ये तो हम सभी जानते हैं। जैन आजकल प्रोफेशनल्स आगे बढ़ रहे हैं, हमारी लड़कियां डॉक्टर्स बन रही हैं, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स, एजुकेशनिस्ट बन रही है। तो हमारा एक प्रोफेशनल फोरम भी है जहाँ पे इस तरह के डॉक्टर्स, लॉयर्स को कनेक्ट किया जाता है और उनको भी मजबूती देते हैं कि हम कैसे भारत को आगे ले जा सके, भारत की पॉपुलेशन को, स्पेशली जैन कम्युनिटी को कैसे ऊपर से ऊपर बढ़ा सके। सो इस तरह से काफी चीजें कर रहे हैं। हमारे साधु भगवंतों के लिए भी लेडीज डॉक्टर्स, लेडीज साधुओं के लिए लेडीज डॉक्टर्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। सो वी हैव ऑल इन ऑल, इट्स अ वेरी होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन विच लुक्स एट ट्रांसफॉर्मिंग आवर कम्युनिटी एंड थ्रू द कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मिंग आवर कंट्री टू बी बिगर, बेटर, मोर कंपैशनेट एंड डेफिनेटली 5 trillion इकोनॉमी इन टाइम्स टू कम। नारी के लिए जो आप सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, उसमें अगर हम कहें कि कितनी IAS या IPS एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, या कि एक बिजनेस स्वावलंबी जो लेडीज हैं वो कितनी तैयार करी गई हैं? सो जीतो में पिछले 12 साल में JATF ने, दैट इज जैन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग फाउंडेशन ने, कम से कम 300 से ज्यादा ऑफिसर्स ऑलरेडी बना दिए हैं, जिसमें एटलीस्ट 30-40% वुमेन ऑफिसर्स हैं जो IRS में है, IFS में है, डिफेंस में है, बैंकिंग के सिस्टम में है, जुडिशरी में है, और दैट्स अंडर मेरिट परसेंटेज ऑफ पासिंग इज एटलीस्ट 60%, विच इज हाइएस्ट I think in all the educational institutes of UPSC in the country. So, नारी कंधे से कंधा मिला के चल रही है, कभी कभी आगे भी निकल जाती है। और जहाँ तक आपने मुझसे आर्थिक स्वावलंबन के लिए पूछा, तो आज हर कोई कुछ करना चाहता है तो एक नारी ही नारी को प्रोत्साहित करती है। सो जीतो में हम एक्सपीरियंस शेयरिंग इतना करते हैं या नेटवर्किंग इतना करते हैं कि सभी को प्रोत्साहन मिलता है। जैसे कि कोई नारी अपना एक छोटा बिजनेस चला रही है कपड़ों का, तो हम खोजते हैं कि नेटवर्किंग के थ्रू उसको फैब्रिक कौन सप्लाई कर सकता है, उसको लेस कौन सप्लाई कर सकता है, उसको उचित दरों पर बटन कौन सप्लाई कर सकता है, और इस तरह से इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द बिजनेस वुमेन एंड बिजनेस लेडीज। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो जीतो लेडीज को सिखा रहा है वो है स्पॉन्सरशिप। हम स्पॉन्सरशिप पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं ताकि हम अपने पैसे और अपने अर्थ को बचाकर उसका अच्छे से नियोजित कर सकें। सामने वाले हमारे ऊपर पैसा लगाते हैं और उनको उचित पब्लिसिटी देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ऑफकोर्स नारियों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत स्टेप्स लिए हैं और जैन समाज हमेशा उसी के पीछे रहा है। तो
जहां तक जीतों का तात्पर्य है, मेरे ख्याल से हमें प्रोत्साहन की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट हमारे वजूद को, हमारी इच्छाओं को और हमारे थॉट प्रोसेस को यहाँ बहुत मूल्य दिया जाता है। तो ये थी हमारे साथ सोनाली हेमंत जी, जिनका कहना है कि जो नारी है जैन समाज की, वो भी जो है पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार आगे बढ़ रही हैं, और हर क्षेत्र में, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरियों का क्षेत्र हो, या फिर और तरह के जो प्रकल्प हैं उनके अंदर पूरी तरह से जो है सहयोग कर रही हैं। साजन शर्मा, अर्थ प्रकाश के लिए।